कुछ ऐसा दिखेगा अपने देश में बना एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। 12 अगस्त को कोच्ची में इसे समुद्र में उतारा जाएगा और तभी इसे ये नाम दिया जाएगा। अगले 5 साल तक इसको समुद्र में 30-30 नॉटिकल माइल की रफ्तार से चलने लायक बनाया जाएगा। इसका वजन 40,000 टन तक पहुंचेगा और ये एक बार ईंधन लेने के बाद 45 दिन तक समुद्र में रह सकेगा। इसके डेक से 20 लड़ाकू एयरक्राफ्ट और 10 हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। ये समुद्र में भारत का एक ऐसा किला होगा जिसे तोड़ पाना मुमकिन नहीं होगा। 2018 तक ये नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार होगा।